साथियों, मैंने सही कहा था कि दोस्तों ये बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप योजना है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारों को संबल देने की बजाय उनको कम्बल उड़ाने का काम कर रही है, यानी उनको बेरोजगार बनाकर रख देगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो और इसी प्रकार की न्यूज है वो प्रतिदिन न्यूज के माध्यम से आती रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार ने जो बेरोजगारी भत्ता यानी संबल योजना जो शुरू की थी जिसमें आपको 4,045 मिलेंगे, है ना, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े जारी किए थे कि हम इतने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रति साल दे रहे हैं, लेकिन देखो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज का जो युवा है वो अपने भविष्य को लेकर इतना जागरूक है कि उन्हें पता है कि 4,045 रुपये किसी ज़िंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि भाई आप 4 घंटे खराब कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपका आने वाला भविष्य है वो निश्चित तौर पे अंधेरे की ओर यानी दलदल में जा रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सही लिखा है कि बेरोजगारों को संबल योजना नहीं दे रही सहारा, यानी वो अभी भी क्या हैं, बेरोजगार ही हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक युवा जब इंटर्नशिप करने के लिए जाता है और उसको जब बेरोजगारी भत्ता है वो समय पर नहीं मिलता है तो भाई उसके मन में क्या क्या विचार आते होंगे। तो मेरा ये मानना है सरकार जब बेरोजगारी भत्ता देना ही चाहती है तो कम से कम भाई किसी भी महीने की तारीख को फिक्स कर लीजिए कि आपको इस तारीख से इस तारीख के बीच आपका बिल पास हो जाएगा और आपका भत्ता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ बिल पास वाले सिस्टम को हटा के सीधा आप बैंक अकाउंट में आप उसका पेमेंट डाले। ये भी एक बात बताओ भाई, सितंबर का बिल अभी तक पास नहीं हुआ है और अक्टूबर का महीना पूरा जा चुका है और नवंबर भी पूरा जाने वाला है, यानी अभी भी अक्टूबर व सितंबर का बिल पास नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के उन युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा, है ना। तो सरकार को इस पर ध्यान देना ही होगा, मैं भाई ये मानता हूँ। चलो भाई आप 4,045 दे रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि आप 2,500-3,000 रुपये दे दीजिए और सभी को घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दीजिए और महीने की कोई फिक्स तारीख कर लीजिए कि इस तारीख को हम भत्ता देंगे। मैं आपको यहाँ दावे के साथ कहना चाहूँगा यह योजना राजस्थान की सबसे फेमस योजना बन जाएगी, है ना। प्रत्येक युवा के दिल में रहेगा कि हाँ हमारे CM साहब ने बहुत ही अच्छी योजना है वो लॉन्च की है और हमें ये जो मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता, भाई आप 2 साल की बजाय भाई आप 1.5 साल कर दीजिए, कम से कम ये तो रहेगा कि युवा अपने तन मन लगाकर उसकी तैयारी करेगा। ये भी एक पढ़ने वाले युवा को भाई पैसे की जरूरत होती है तो पैसा सही समय पर आएगा तो कहीं ना कहीं अपना जो पढ़ने का एक रोटेशन होता है वो कहीं ना कहीं दुगना होगा। तो भाई मैं तो ये मानता हूँ।